हाय एवरीवन, एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार विशेष या बिहार स्पेशल टॉपिक से संबंधित कुल 150 प्रश्नों को मैं डिस्कस करूँगा। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वह परफेक्शन आईएएस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाए जा रहे 67वीं बीपीएससी टारगेट टेस्ट सीरीज का एक हिस्सा है। तो आइए बिहार स्पेशल से संबंधित 150 प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH31, NH27 EW, NH20 EW, NH30, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिहार से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH27 EW। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बिजली की खपत होती है? पटना, गया, सिवान, नवादा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सर्वाधिक बिजली की खपत पटना में होती है। अगर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए जहां पर सर्वाधिक बिजली की खपत होती है तो वे हैं जिला क्रमशः पटना, पटना के बाद आएंगे गया, गया के बाद आएगा नालंदा। तो ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है। तो पहला आंसर हो जाएगा इसका, 2 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 3 है, बिहार का सबसे घना वन जिला कैमूर है, जहाँ का कुल वन क्षेत्रफल है। यानी कि बिहार का सबसे घना वन जिला जो है वह कैमूर है, और कैमूर में वन क्षेत्रफल कुल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1056.04 वर्ग किलोमीटर कैमूर जिले का वन क्षेत्रफल है। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, बिहार में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया था? बेतिया, आरा, बेगूसराय, भागलपुर, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार में पहला चीनी मिल डचों के द्वारा 1840 ईस्वी में बेतिया में स्थापित की गई थी। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए। 5 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2019-20 के डेटा के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है 332 किलोवाट प्रति घंटा, 311 किलोवाट घंटा, 143 किलोवाट घंटा, 124 किलोवाट घंटा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 2019-20 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 332 किलोवाट घंटा है, यानी कि 5 का आंसर हो जाएगा ए। 6 नंबर प्रश्न है, सितंबर 2020 तक बिहार में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि बिहार में स्टेट हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3713 किलोमीटर बिहार में वर्तमान समय में कुल स्टेट हाईवे हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। अगर बिहार में स्टेट हाईवे की दृष्टि से टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पे आएगा पटना, जहाँ के 219 किलोमीटर है स्टेट हाईवे। दूसरा नंबर पर आएगा गया, जहाँ पे 210 किलोमीटर की लंबाई है स्टेट हाईवे की। और तीसरे नंबर पर है दरभंगा, जहाँ पे 209 किलोमीटर स्टेट हाईवे की लेंथ है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ग्रामीण स्तर पर बिहार में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी दर कितनी है? यानी कि ग्रामीण स्तर पर बिहार में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी दर कितनी है? 3.9%, 6.4%, 24.6%, 20.4%। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि ग्रामीण स्तर पर बिहार में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी दर 3.9% है, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम वंडर ऐप किसने पेश किया है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम वंडर ऐप को बिहार सरकार के द्वारा, बिहार राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, या बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। 8 का आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस बाज, अली इमाम, सर सैयद अहमद खान, मजहरुल हक, अब्दुल बारी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पहले सत्र के बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे अली इमाम। इसका आयोजन 1908 ईस्वी में पटना में किया गया था। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 10 नंबर प्रश्न है,
पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया? 16 अप्रैल 1930, 15 मार्च 1930, 14 फरवरी 1930, 16 मई 1930, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों पटना में नमक सत्याग्रह जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था 16 अप्रैल 1930 को किया गया था, यानी कि 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 11 नंबर प्रश्न, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बहुत फेमस है कि बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, 11 का आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर प्रश्न है, 25 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने किस जिले पर अपना अधिकार कर लिया था? डेट को ध्यान में रखिए, 25 मार्च 1858 को रीवा जिला, कानपुर जिला, आजमगढ़, कल्पी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा 25 मार्च 1858 ईस्वी को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया गया था, 12 का आंसर हो जाएगा सी। 13 नंबर प्रश्न है, बीबीगंज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? कुंवर सिंह और अंग्रेजों के बीच, अकबर द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच, हरकिशन सिंह और मेजर आयर के बीच, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बीबीगंज का जो युद्ध था वह कुंवर सिंह और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों की तरफ से अगर देखा जाए तो मेजर आयर यहाँ पर एक प्रमुख नेतृत्व करता थे और इधर से बाबू वीर कुंवर सिंह थे। तो बीबीगंज का युद्ध बाबू वीर कुंवर सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, बेसिकली यह 2 अगस्त 1857 के आसपास में हुआ था, 13 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 14 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कितना प्रतिशत है? 42%, 46.4%, 56%, 34.5%, नन ऑफ दीज या मोर देन वन। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 34.5%, यानी बिहार में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 34.5% है, 14 का आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर प्रश्न है, बिहार में अभी तक कुल कितने जैविक कृषि जिले विकसित किए जा चुके हैं? 10, 11, 13, 15, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए बिहार में वर्तमान समय तो कुल कृषि जिले, जैविक कृषि जिले जो विकसित किए गए हैं उनकी संख्या 13 है। इनमें बक्सर, गया, भोजपुर, पटना, नालंदा, वैशाली आदि 13 जिले शामिल हैं। मैंने कुछ का नाम बताया है, टोटल 13 जिले हैं, तो आपको इसे देख लेना है, आप उसे नाम को याद कर लीजिए, कोई भी पूछा जा सकता है विकल्प के रूप में। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 16 नंबर प्रश्न है, बिहार में औसतन वर्षा रिकॉर्ड की गई है, बिहार में औसतन वर्षा कितनी रिकॉर्ड की गई है? तो देखिए बिहार में औसतन वर्षा जो है वह 1094.4 मिलीलीटर दर्ज की गई है। सर्वाधिक वर्षा जो बिहार में होती है वह किशनगंज में दर्ज की गई है और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में दर्ज की गई है। लेकिन अगर औसत वर्षा देखा जाए तो बिहार में 1094.4 मिलीलीटर है, 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 17 नंबर प्रश्न, बिहार के GSDP में कृषि का योगदान कितना है? बिहार के GSDP में कृषि का योगदान कितना है? 18.3%, 16%, 19.7%, 19.3%, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार के GSDP में कृषि का योगदान 19.3% है। अगर भारत के ग्रोथ रेट में कृषि का योगदान देखा जाए तो यह आपका 16% के आसपास आएगा, लेकिन कृषि और संबद्ध क्षेत्र को अगर ऐड कर दिया जाए तो यह 19.7% आएगा, लेकिन केवल कृषि भारत में तो 16% और बिहार के GSDP में कृषि का योगदान 19.3% है। 18 नंबर प्रश्न, चावल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यानी कि बिहार के किस जिले में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? तो बिहार का रोहतास जिला, जिसे सासाराम के रूप में भी जाना जाता है, यहां पर चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, 18 का आंसर हो जाएगा बी। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार की किस फसल को 2020 में कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है? मक्का, चावल, गेहूं, जौ, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कृषि कर्मण पुरस्कार 2020 का पुरस्कार दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि मक्का और गेहूं दोनों के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को 2020 में मिल चुका है, 19 का आंसर हो जाएगा ई। ये थोड़ा सा पेज सही तरीके से क्लियर नहीं आ चुका है पेज, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर दिखते नहीं आनी चाहिए। वर्ष 1869 ईस्वी में अंजुमन तहजीब नामक एक नई सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, गया, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुजफ्फरपुर में इसकी स्थापना की गई है।
21 नंबर प्रश्न है, एक बहुमुखी कवि बैद्यनाथ द्विवेदी का जन्म गया में हुआ। निम्न में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा रचित है, यानी कि बैद्यनाथ द्विवेदी जिनका जन्म बिहार के गया जिला में हुआ उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि बैद्यनाथ द्विवेदी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वाम विलास भी उन्होंने लिखा है, चित्रभरण भी लिखा है, नकसिख भी उन्होंने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ई। 22 नंबर प्रश्न है, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, अब्दुल गफूर, महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 21 नंबर प्रश्न है, मुंगेर जिले में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। श्री कृष्ण सिंह, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। 24, बिहार का सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है, बेगूसराय, जमुई, भागलपुर, बक्सर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सर्वाधिक सड़क घनत्व बिहार में वह जमुई में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अधिकतम राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, ऐसे हैं, लेकिन सर्वाधिक सड़क जनसंख्या घन सड़क घनत्व वाला जिला की चर्चा किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जमुई। 25 नंबर प्रश्न, नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाली रामप्यारी देवी किसकी पत्नी थी, यानी कि रामप्यारी देवी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, वे किनकी पत्नी थी। तो दोस्तों 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जगत नारायण लाल की पत्नी रामप्यारी देवी थी जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। 26 नंबर प्रश्न है, 2020-21 में 15वें वित्त आयोग ने बिहार को कितना हिस्सा आवंटित किया है, यानी कि 15वीं वित्त आयोग की जो पहली रिपोर्ट प्रकाशित की गई है वित्तीय वर्ष 2020-21 को ध्यान में रखते हुए, उसके तहत बिहार को कुल कितना हिस्से आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10.06% बिहार को 15वीं वित्त आयोग में हिस्सेदारी प्रदान की गई है। 14वीं वित्त आयोग, इससे पूर्व वाले वित्त आयोग में देखा जाए तो 9.67% था, तो 9.67 जो कि 14वीं वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी थी उसे बढ़ाकर 10.06% 15वीं वित्त आयोग के द्वारा कर दिया गया है। 26 का आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर प्रश्न है, बिहार से फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख सदस्य निम्नलिखित में से कौन हैं, रामविलास सिंह, राज विकास शाह, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी श्रद्धानंद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के अगर एक्टिव मेंबर कोई थे तो रामविलास सिंह थे। 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ये बेसिकली मुंगेर जिले के रहने वाले थे, ठीक है। 28, अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार को किस वर्ष एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, 1905, 1912, 1936, 1946, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका 28 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1936 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर प्रश्न कि एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, 1912 ईस्वी में बिहार को एक डिवीजन के रूप में व्याख्या की गई थी, लेकिन अलग प्रांत अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका आंसर 1936 आएगा। और बीपीसी में एक प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो लगातार 63, 64, 65 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो अलग प्रांत का दर्जा दिया गया 1936 ईस्वी को 1 अप्रैल को, ठीक है। तो ये रहा बिहार उड़ीसा अलग प्रांत बना। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बहादुर शाह के द्वारा नायब या बिहार का उप प्रभारी नियुक्त किया गया, सैयद हुसैन अली खान, बाग जफ्फूर खान, उदवंत सिंह, नोरिल सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सैयद हुसैन अली खान को बहादुर शाह द्वारा नायब या बिहार का उप प्रभारी नियुक्त किया गया था। 30 नंबर प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार कब आक्रमण किया, 1530, 1531, 1532 और 1533। तो पहली बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण हुमायूं के द्वारा 1532 ईस्वी में किया गया था। अगर चुनार दुर्ग के बारे में चर्चा किया जाए तो चुनार दुर्ग जो है वह यूपी के मुरजापुर जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी, यानी कि 1532 ईस्वी। 31 नंबर प्रश्न है,
बिहार में महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने सहयोग किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, रफ़ी अहमद किदवई, बाबा रामचंद्र, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो चंपारण सत्याग्रह किसने सहयोग किया पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 31 का ई, एक से अधिक। 32 नंबर प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली है? यानी कि बिहार में जो चौकीदारी कर आंदोलन प्रारंभ की गई थी वह किस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था या किस राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर प्रारंभ की गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार बेगूसराय का चौकीदारी कर आंदोलन राष्ट्रीय स्तर के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी के हुई थी उसका एक हिस्सा था। 33 नंबर प्रश्न, विस्तार और तेजी से प्रसार के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के किस हिस्से पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा? पंजाब, मिदनापुर, बिहार, उड़ीसा। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के किस हिस्से पर विस्तार और तेजी से संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है? तो दोस्तों 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने को जलाया था? कुलाहौद चौधरी, श्याम बिहारी लाल, जगलाल चौधरी, जयप्रकाश सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जगलाल चौधरी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, जगलाल चौधरी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थाने में आग लगा दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बंगाल दैनिक हितवादी के संपादक कौन थे? द एडिटर ऑफ बंगाली दैनिक हितवादी, सखाराम गणेश देवेशकर, शांति नारायण, राजनारायण बोस, वरिंद्र नाथ घोष, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बंगाली दैनिक पत्रिका हितवादी के संपादक सखाराम गणेश देवेशकर थे। 35 का आंसर हो जाएगा ए। 36, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किस जिले के लोग अराजक व्यवहार में संलिप्त थे? गया, पटना, तिरहुत, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गया के लोग। 1857 के विद्रोह के दौरान गया के लोगों ने अराजक महसूस किया था। गया में असंतुष्ट ग्रामीणों और भोजपुरी विद्रोहियों ने विद्रोही सैनिकों को जोधर सिंह और हैदर अली खान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मजबूती दी थी। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए। 37, बिहार में लिबर्टी लीफलेट 1915 में बांटने में कौन अग्रणी था? यानी कि बिहार में 1915 ईस्वी में लिबर्टी लीफलेट बांटने में कौन अग्रणी भूमिका, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बंकिम चंद चटर्जी और अखिल चंद्र दास गुप्ता ने। 38 नंबर प्रश्न है, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को एक शाही आदेश, शाही फरमान दिया था जो किससे संबंधित था? जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आजमगढ़। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को एक शाही आदेश दिया था जो आजमगढ़ से संबंधित है। 39, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की? जनकधारी प्रसाद ने, चंद्रवंशी प्रसाद ने, ब्रजकिशोर सिंह ने, सच्चिदानंद सिंह ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जनकधारी प्रसाद ने 1916 ईस्वी में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत हुई, एनी बेसेंट और तिलक आदि ने मिलकर की थी। तो मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना जनकधारी प्रसाद के द्वारा इन्हीं से प्रेरित होकर की गई थी। अगला, कृतिमाला और कृति पताका के रचिता विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? यानी कि विद्यापति जिन्होंने कृतिमाला और कृति पताका के रचनाकार जिन्हें माना जाता है बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। 40 का आंसर हो जाएगा बी। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर, पटना, बेतिया, मुंगेर, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो तरुण भारत संघ संबंधित है मुजफ्फरपुर से। 41 का आंसर हो जाएगा ए। 42, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया है 28 नवंबर 1940, 20 सितंबर 1940, 28 सितंबर 1940, 28 दिसंबर 1940, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया? तो देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 ईस्वी को शुरू किया गया था, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, और भी अन्य कई महत्वपूर्ण नेताओं ने अपनी भागीदारी निभाई थी। 42 का आंसर हो जाएगा ए। 43 नंबर प्रश्न है, पटना के प्रथम मजिस्ट्रेट कौन थे? विकल्प है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांडे, थॉमस रबोल्ड, थॉमस लेन, जॉर्ज बेंसिन टॉट, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो पटना के पहले मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांडे, यानी कि 43 का आंसर हो जाएगा ए। 44 चंपारण सत्याग्रह के परिणाम थे, तीनकठिया प्रणाली का अंत, किसानों को मुआवजे के रूप में 35% लगान की वापसी, नील की खेती से स्वतंत्रता, जांच आयोग की स्थापना, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए चंपारण सत्याग्रह के क्या परिणाम थे? तो चंपारण सत्याग्रह के परिणाम तीनकठिया प्रणाली का अंत हो गया, बिल्कुल सही है। किसान को मुआवजे के रूप में 35% लगान वापसी, इसे छोड़कर सभी प्रश्न सही है। नील की खेती से स्वतंत्रता मिली, जांच आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए बी और डी, यानी कि आंसर हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि ई। 45 महात्मा गांधी ने 14 नवंबर 1917 को बिहार में पहला स्कूल स्थापित किया था, उसका क्या नाम था? बराहवा लखनसेन, भटियाऊ याही, भितरवा लखन याही, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो महात्मा गांधी के द्वारा 14 नवंबर 1917 ईस्वी को बिहार में जिस स्कूल की स्थापना की गई थी उसे बराहवा लखनसेन के रूप में, बराहवा लखनसेन के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना पूर्वी चंपारण जिले में इसकी स्थापना की गई थी। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए। 46 माँ की पुकार पत्रिका किस कहाँ से संबंधित है? मुजफ्फरपुर, चंपारण, भागलपुर, गया, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो माँ की पुकार जो पत्रिका है वह मुजफ्फरपुर से संबंधित है, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था। 46 का आंसर हो जाएगा ए। हुंकार किसके द्वारा प्रकाशित एक हिंदी साप्ताहिक था, यानी कि हुंकार साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पंडित यमुना कारजी और राहुल संकृतायन के द्वारा 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, और एक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा हुंकार क्या है, हिंदी पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, और प्रकाशन राहुल संकृतायन और यमुना कारजी के द्वारा 1940 ईस्वी में किया गया था। अगला, अनुशीलन समिति क्या है? धार्मिक संगठन है, साहित्यिक सभा है, क्रांतिकारी संगठन, सैन्य संगठन, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन है, और इसके संस्थापक सतीश चंद्र बसु को माना जाता है, और इसका जो मेन मुख्यालय था वह कलकत्ता में था। तो अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन है, आंसर होगा सी। 49 मई 2030 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे, यानी कि मई 1930 में बिहार उड़ीसा प्रांत, चूंकि उस समय बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत के हिस्सा थे, 1936 ईस्वी में अलग प्रांत बनता है, तो उस समय बिहार उड़ीसा प्रांत के मुख्य सचिव कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मॉरिस गार्नियर हैलेट 1930 ईस्वी में बिहार उड़ीसा प्रांत के मुख्य सचिव थे। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की है? विपिन बिहारी शर्मा, रास बिहारी सिंह, राम विनोद सिंह, रामनंदन मिश्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। मधुबनी में खाद्य उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राम विनोद सिंह के द्वारा मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी। 51 नंबर प्रश्न है, 1939 में अंबारी छपरा में औद्योगिक सत्याग्रह किसने शुरू किया? स्वामी सहजानंद, मलय कृष्ण आडवाणी, यदुनंदन शर्मा, शिव शंकर भारती, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो 1939 में अंबारी छपरा में औद्योगिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यदुनंदन शर्मा के द्वारा 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। यहाँ पे अंबारी छपरा में औद्योगिक सत्याग्रह, तो अंबारी सत्याग्रह से इसका तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 52 है, 1917 में गांधी जी की यात्रा के दौरान चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट कौन थे, यानी कि 1917 ईस्वी में जब गांधी जी चंपारण के यात्रा पर आए थे उस समय चंपारण का जिला मजिस्ट्रेट कौन था? तो उस समय चंपारण का जिला मजिस्ट्रेट था WB हेकाकी। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ए। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि महात्मा गांधी
चंपारण के जिले जो पहुंचे थे वह 15 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे और उस समय चंपारण का जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू बी हेकाकी था। 53 बिहार की चुनी हुई सरकार ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था। क्या कारण था कि बिहार की चुनी हुई सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में अपना इस्तीफा सौंप दिया था? तो इसका एकमात्र कारण राजनीतिक बंदियों की रिहाई से संबंधित था। ये प्रश्न आप 66वीं या 65वीं का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देखेंगे तो यह आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने क्यों इस्तीफा दे दिया था? क्योंकि राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए। 54 नंबर प्रश्न है, पटना में नमक कानून के उल्लंघन के लिए कौन सा स्थान चुना गया था? यानी कि नमक कानून का उल्लंघन जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया गया था, तो नमक कानून के उल्लंघन के लिए पटना में कौन सा स्थान चुना गया था? तो इसका स्थान जो चुना गया था नमक सत्याग्रह से संबंधित था, वह है नखास पिंड। तो 54 का आंसर हो जाएगा सी। कौन सा पंपलेट या दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजों का समर्थक है? यानी कि यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में चुनकर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है समाचार पत्र है जो अंग्रेजों के समर्थक माने जाते हैं। महादेव, हितैषी, टाइम्स ऑफ इंडिया, देशोर कथा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें आंसर आ जाएगा सी यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए बेसिकली मूल रूप से द बॉम्बे टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स कहलाने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया को 1838 में पश्चिमी भारत के ब्रिटिश निवासियों की सेवा के लिए प्रारंभिक की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 56 है, द पटना टाइम्स के संपादक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार स्पेशल में अक्सर जो बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, द पटना टाइम्स या फिर ऐसे जो पत्रिका हैं, देशोर कथा भी पूछा गया है, हुंकार भी पूछा जा चुका है, तो पटना टाइम्स के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मोहम्मद यूनिस पटना टाइम्स के संस्थापक माने जाते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिहार के प्रतिनिधि ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? यानी कि INC की बैठक में बिहार के प्रतिनिधि ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1885, 1886, 1887, 1888, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1887 ईस्वी में बिहार के प्रतिनिधि ने पहली बार INC की बैठक में भाग लिया था। 58, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा किससे संबंधित है? आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित है पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। 59, सर सैयद अहमद खां पटना कब आए थे? 1854, 1876, 1855, 1883, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सर सैयद अहमद खां पटना वापस कब आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1883 ईस्वी में वे वापस पटना आए थे। अगला, पटना में बहावी की शक्ति की घेराबंदी की गई थी 1859-60, 1864-65, 70-71, 85-86, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पटना में बहावी की शक्ति की घेराबंदी की गई थी 1870-71 में, और 1870-71 में पटना में बहावी की सत्ता हथिया ली गई थी। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 61, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? जनवरी 1946, फरवरी 1946, मार्च 1946, अप्रैल 1946, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बेसिकली जयप्रकाश दिवस तब मनाया गया था जब जयप्रकाश जेल में कैद थे, जयप्रकाश नारायण, तो उन्हें रिहा करने के लिए जयप्रकाश दिवस का आयोजन किया गया था, एक रैली का आयोजन किया गया था, और यह आयोजन अप्रैल 1946 में हुआ था। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो गया अधिवेशन जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यक्ष था सी आर दास के द्वारा की गई थी। 62 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 63 नंबर प्रश्न, बिहार में आज़ाद दस्तक के प्रभारी कौन थे? सूरज नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, सियाराम सिंह, राम मनोहर लोहिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार में आज़ाद दस्ते के प्रभारी थे सूरज नारायण सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का ए। 64, बिहार पत्रकार सम्मान योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि विकल्प देखकर आपको बताना है कि बिहार पत्रकार सम्मान योजना के बारे में कौन सा विकल्प गलत है। विकल्प संख्या ए, सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 6,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता, बिल्कुल सही है। अगला,
आवेदक की आयु 65 से अधिक होनी चाहिए, ये गलत है, आवेदक की आयु 60 प्लस होनी चाहिए। तीसरा, उसे किसी भी प्रिंट मीडिया या चैनल में कम से कम 20 साल तक काम करना चाहिए, बिल्कुल सही। आवेदकों को बिहार का निवासी होना चाहिए, बिल्कुल सही। यानी कि कौन सा प्रावधान सही नहीं है, यानी कौन सा प्रावधान गलत है, तो प्रावधान संख्या बी गलत है, जो कि 65 वर्ष नहीं 60 वर्ष है आवेदक की आयु। 65 नंबर प्रश्न, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया? 1786, 1956, 1776, 1796, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, पटना में गोलघर का जो निर्माण किया गया था वह देखिए 1783 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। यानी कि 1783 में जो बिहार में अकाल पड़ा उसे सीख लेते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1786 ईस्वी में अन्नागार के उद्देश्य से, अन्न संग्रह के उद्देश्य से पटना में गोलघर का निर्माण किया गया। 65 का आंसर हो जाएगा ए। 66 नंबर प्रश्न है, बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के अधीन सौर पंप के लिए कितने रुपये सब्सिडी प्रदान की जाती है? 50%, 25%, 45%, 75%, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो कृषि बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के तहत सौर पंप के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वह सब्सिडी की राशि 25% होती है, यानी कि 66 का आंसर हो जाएगा डी। 67, एकीकृत कुक्कुट विकास योजना के लिए प्रावधान है, एकीकृत कुक्कुट विकास योजना के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो देखिए, यहाँ विकल्प के अनुसार दो ऑप्शन सही हैं। एक ए नंबर ऑप्शन, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 30% की सब्सिडी, बिल्कुल सही है, और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 50% सब्सिडी। यानी कि जनरल कैटेगरी का होगा तो 30% सब्सिडी दी जाएगी और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के होंगे तो उन्हें 50% की सब्सिडी दी जाएगी। विकल्प संख्या ए और विकल्प संख्या सी सही है, यानी कि एक से अधिक सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई। 68 नंबर प्रश्न, कृषि इनपुट सब्सिडी योजना संबंधित है, यानी कि कृषि इनपुट जो सब्सिडी योजना है वह किससे संबंधित है? तो मैं इसका विकल्प के अनुसार डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना बाढ़ और सूखा प्रभावित फसलों से संबंधित है और कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के अंतर्गत सूखा और बाढ़ से संबंधित प्रभावित फसलों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। 69 नंबर प्रश्न, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो लक्ष्मीबाई पेंशन योजना विकल्प संख्या ए, योजना का उद्देश्य एकल विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, ये विकल्प के अनुसार देखा जाए तो यह विकल्प सही है। विकल्प संख्या बी, 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएँ इसमें पात्र है, जी नहीं, 18 प्लस की जो महिलाएं हैं वे इसके लिए पात्र है, यानी कि विकल्प संख्या ए सही है, विकल्प संख्या बी गलत है। सी, मासिक आय रुपये 3000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो मासिक आय रुपये, देखिए मासिक आय 3000 से कम नहीं, बल्कि इनकी वार्षिक आय का निर्धारण किया जाता है और 60000 रुपये प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए, तो मासिक आय 5000 रुपये तक ठहरता है। तो सी भी ऑप्शन जो हो गया गलत है। 500 रुपये राशि दी जाती है, नहीं 500 रुपये नहीं इनके, बल्कि 300 रुपये दी जाती है। तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विकल्प संख्या केवल ए सही हुआ, जिसका उद्देश्य है एकल विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, 18 प्लस की महिलाएं इसके लिए योग्य होगी, उनके मासिक आय 5000 से कम होनी चाहिए और उन्हें 300 रुपये की सहायता दी जाती है। 69 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 70 नंबर प्रश्न है, बिहार पीड़ित मुआवजा योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? एसिड अटैक पीड़ित, बलात्कार पीड़ित, घरेलू हिंसा के शिकार, हिरासत में मौत के शिकार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार पीड़ित मुआवजा योजना के तहत जो लाभार्थी हो सकते हैं, एसिड अटैक पीड़ित एंड बलात्कार पीड़ित दोनों आएंगे, यानी कि विकल्प संख्या ए और बी दोनों सही है, यानी कि एक से अधिक सही है, यानी कि 70 का आंसर हो जाएगा आपका ई। 71, देखिए यहाँ पर दिया गया है एक साइड उद्योग है, एक साथ संबंधित जिला है और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है। जूट उद्योग कटिहार, बिल्कुल सही। सिंदूर उद्योग लखीसराय, बिल्कुल सही। कालीन बिहार शरीफ, नहीं, कालीन जो है वह औरंगाबाद में है कालीन उद्योग।
तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का आंसर कौन युग्म सुमेलित नहीं है, 71 का आंसर हो जाएगा सी, फार्मास्यूटिकल नारायणपुर मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही, यानी कि 71 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 72, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कमला नहर परियोजना से लाभान्वित तो होता है, दरभंगा, मधुबनी, सारण, चंपारण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन सा जिला कमला नहर परियोजना से लाभान्वित होता है, तो लाभान्वित जिला जो है कमला नहर परियोजना से दरभंगा और मधुबनी दोनों है, यानी कि ए और बी दोनों एक से अधिक होगा, यानी कि इसका आंसर 72 का आंसर ई हो जाएगा। 73, चक्रवर्ती देवी का संबंध किस कला से था, मंजूषा, मधुबनी, पटना कलम, मुगल पेंटिंग। तो चक्रवर्ती देवी का संबंध मंजूषा शैली से, ऐसे चक्रवर्ती देवी जो हैं वे बंगाल से संबंधित है और इन्होंने मंजूषा कला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्रदान की थी। 73 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 74 नंबर प्रश्न है, भीम बांध वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, बहुत ईजी प्रश्न है, भीम बांध मुंगेर में स्थित है। 74 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 75, निम्नलिखित में से टाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है, पटना, कैमूर, गया, रोहतास, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए टाल मिट्टी का जो क्षेत्र है इसका आंसर हो जाएगा ए, टाल मिट्टी का कहां पर पाई जाती है, 75 का आंसर हो जाएगा ए। टाल मिट्टी दक्षिणी बिहार के पटना से लेकर लखीसराय तक का जो बेल्ट है वहां तक के टाल मिट्टी मिलेगा, यानी कि पटना से लखीसराय के भी टाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगी दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का आंसर ए। 26, बिहार के किस जिले में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों बिहार के किस जिले में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि विकल्प संख्या ई इसका सही होगा, एक से अधिक इसका सही होगा। 27 नंबर प्रश्न, आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, बहुत ईजी प्रश्न है, आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जय रामदास दौलत राम रहे हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का डी। 78, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1916, 1917, 1918, 1921, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी, 78 का आंसर हो जाएगा ए। 79 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता के ठीक बाद बिहार के संभागों में निम्नलिखित में से कौन शामिल था, भागलपुर, मुंगेर, मगध, छोटा नागपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी कि स्वतंत्रता के ठीक बाद बिहार के संभागों में निम्नलिखित संभाग में से कौन शामिल था, तो देखिए जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो भागलपुर और छोटा नागपुर ये दोनों संभाग शामिल थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि 29 का आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक शामिल है। स्वतंत्रता के समय बेसिकली बिहार चार संभागों में विभक्त था, ठीक है, तिरहुत था एक प्रांत जो था वो आपका तिरहुत था, दूसरा भागलपुर था, तीसरा छोटा नागपुर था और पांचवा पटना था। तो तिरहुत और छोटा भागलपुर और छोटा नागपुर विकल्प के अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक। 80 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार अधिनियम लाने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार अधिनियम पहली बार अगर किसी राज्य के द्वारा लाया गया था तो हमारा बिहार राज्य था। 1950 ईस्वी में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बना। 81, किसने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अब्दुल बारी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना श्री कृष्ण के द्वारा की गई थी। 81 का आंसर हो जाएगा ए, और इन्होंने 1906 ईस्वी में बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। 82 नंबर प्रश्न है, मुंगेर जिले में बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मुंगेर जिले में बकास्त आंदोलन जो 1935 ईस्वी में मुंगेर जिले में किया गया था, इसका नेतृत्व कार्यानंद शर्मा के द्वारा की गई थी। 82 का आंसर हो जाएगा ए। 1930 में नंगी हड़ताल किस स्थान पर कैदियों के द्वारा की गई थी, बहुत ईजी प्रश्न है कि नंगा विद्रोह अगर आप कुल मिलाकर इसे कहें नंगी हड़ताल को, यानी कि बिहार के किस जिले में नंगा विद्रोह का आयोजन किया गया था, तो बेसिकली कैदियों के द्वारा किया गया था नंगा विद्रोह, उन्होंने नग्न होकर प्रदर्शन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि छपरा जिले से संबंधित है। 83 का आंसर हो जाएगा बी, नग्न विद्रोह छपरा जिले से संबंधित। 84, निम्नलिखित में से कौन मासिक पत्रिका युवक से
जुड़े थे। युवक जो कि एक मासिक पत्रिका थी, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति उस युवक पत्रिका से संबंधित रहे हैं? अंबिका कांत सिंह, कृष्णा सिंह, राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि युवक पत्रिका से संबंधित रहे हैं अंबिका कांत सिंह। 85 बिहार में सचिवालय पर छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बिहार की आप स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घटना रही है तो वह है सचिवालय पर झंडा फहराना, और झंडा फहराने के दौरान 7 छात्रों ने अपना बलिदान दिया था, देश के नाम अपनी कुर्बानियाँ दी थी। तो सचिवालय पर छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के छात्रों के द्वारा सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया था, और जिसमें अपने 7 छात्रों ने अपनी बलिदानी देश के नाम कुर्बानी दी थी। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुगल शासन के दौरान पटना को दूसरा सबसे बड़ा शहर बताया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पटना को दूसरा सबसे बड़ा शहर मुगल शासन के दौरान बताया किसने है? टैवर्नियर, पीटर मुंडी, जॉन मार्शल, मैन रिक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि टैवर्नियर के द्वारा। टैवर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था जो 1665-66 ईस्वी में बिहार की यात्रा पर आया था, और उन्होंने पटना को मुगल काल का दूसरा सबसे बड़ा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र के रूप में इसने घोषित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टैवर्नियर। 87 नंबर प्रश्न, पटना में ताज पहनाया जाने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? यानी कि कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में किया गया था? फर्रुख हसियर, औरंगजेब, अकबर, अजीमुसान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फर्रुख सियार, जिसका राज्याभिषेक 1713 ईस्वी में किया गया था, या पहला ऐसा मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ। 88 नंबर प्रश्न, तो इसका आंसर 87 का हो जाएगा ए। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ यूरोपीय कंपनियों के आगमन और उनकी फैक्ट्री की स्थापना दिया हुआ है, कारखाना दिया हुआ है, और दूसरी तरफ वहाँ पर वर्ष आपको दर्शाया हुआ है। तो डच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1632 ईस्वी, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? 1651 ईस्वी, बिल्कुल सही है। डेनिश फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? देखिए, डेनिश फैक्ट्री की स्थापना 1750 ईस्वी में नहीं बल्कि 1774 ईस्वी में की गई थी, यानी कि विकल्प संख्या सी गलत है। पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं शताब्दी में, बिल्कुल सही है, यानी कि 88 का आंसर हो जाएगा सी। डेनिश फैक्ट्री की स्थापना 1750 ईस्वी में नहीं बल्कि 1774 ईस्वी में की गई थी, जो कि एक गलत है। 88 का आंसर हो जाएगा सी। 89 नंबर प्रश्न है, बटोहिया नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी कि बटोहिया कविता किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाबू रघुवीर नारायण के द्वारा बटोहिया कविता लिखी गई थी। तो और इसमें खड़ी बोली और एक देशभक्ति से ओत प्रोत है यह कविता बटोहिया। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बाबू रघुवीर नारायण से संबंधित हैं। 90 नंबर प्रश्न है, नोनिया विद्रोह या क्रांति के अधिकार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नोनिया विद्रोह के अनुसार कौन सा सही है? ए, नोनिया सोरा के उत्पादन में लगी एक जनजाति थी, ए सही है। बी, सोरा का उपयोग दवा के उत्पादन के लिए किया जाता है? नहीं, सोरा का उपयोग हम लोग विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। सी, यह आमतौर पर हाजीपुर, तिरहुत आदि में उत्पादित की जाती है, बिल्कुल सही है। डी, विद्रोह 1812 ईस्वी में हुआ था, यह गलत है। तो नोनिया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी कि ए सही है और सी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। 91, सुबह ए सादिक के लेखक कौन थे? सुबह ए सादिक के लेखक कौन थे? मोहम्मद सादिक, पीटर मुंडी, मानुची, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, सुबह ए सादिक के लेखक है मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक जो है खुद एक ईरानी यात्री थे, और ये अपने पिता के साथ पटना की यात्रा पर आए थे, और यहाँ इन्होंने 4 वर्ष रहा था। इन्होंने पटना की सुंदरता और गौरव का वर्णन अपनी पुस्तक सुबह ए सादिक में किया है। 91 का आंसर हो जाएगा ए। 92, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विदेशी यात्री और दूसरे तरफ वर्ष दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें वर्ग जो है वह सही सुमेलित नहीं है। ए, धर्मस्वामीन 13वीं शताब्दी, सही है। धर्मस्वामीन 13वीं शताब्दी में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से बिहार आया था। बी, इतसिंह 673, यह भी सही है। राल्फ फीच
1485 से 1487 यह गलत है। राल्फ 1485 87 नहीं बल्कि 1585 ईस्वी में आया था। अब्दुल लतीफ 1600 बिल्कुल सही है, यानी कि 92 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 93 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, एक तरफ महत्वपूर्ण जागीर दिया हुआ है, दूसरे तरफ स्थान दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन संबंधित नहीं है। श्रीनगर, पूर्णिया बिल्कुल सही है, गिद्धौर, बक्सर यह गलत है, गिद्धौर जो है बक्सर नहीं, इसे जमुई होना चाहिए था। सुरपुरा डुमराव सही है, टेकरी गया सही है, यानी कि इसका 93 का आंसर हो जाएगा बी, महत्वपूर्ण जागीर और स्थान से आपको सुमेलित करना है, जिसमें गिद्धौर बक्सर से नहीं बल्कि जमुई से संबंधित है। 93 का आंसर हो गया बी। 94 बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत वेटलैंड है, 4.4%, 7.4%, 6.6%, 5.5%, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार के कुल भूमि का जो वेटलैंड है वह 4.4% है, यानी कि 94 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 95 निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदानों को लगभग समान रूप से विभाजित करती है, यानी कि चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर बिहार के मैदानों को चार भागों में डिवाइड करेगी, गंगा, बागमती, गंडक, कोसी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 95 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बागमती ऐसी नदी है जो उत्तरी बिहार के मैदान को लगभग समान रूप से दो रूपों में, दो भागों में डिवाइड करती है। 95 का आंसर हो जाएगा बी। 96 खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई, 1981, 1881, 1902, 1891, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1891 ईस्वी में की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 96 का डी। 97 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में मुठिया प्रथा को अंजाम दिया गया, यानी कि मुठिया प्रथा निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित रहा है। तो मुठिया प्रथा असहयोग आंदोलन का एक भाग था, 97 का आंसर हो जाएगा सी। 98 किसान अखबार के संपादक कौन थे, तो किसान अखबार के जो संपादक थे वे स्वामी विद्यानंद को किसान अखबार के संपादक माना जाता है, ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे और उत्तरी बिहार में इन्होंने किसान आंदोलन से संबंधित, विद्रोह से संबंधित आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। 98 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 99 बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में किसके द्वारा की गई, अशफाक खान, कृष्णा सहाय, सर अली इमाम, महेश नारायण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना अशफाक खान के द्वारा की गई थी। 99 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 100 नंबर प्रश्न है, बिहार की सबसे पुरानी मुगल इमारत कौन सी है, गोलघर, मनेर का मकबरा, रोहतास किला, जामा मस्जिद हाजीपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए गोलघर का निर्माण तो मुगल के द्वारा किया ही नहीं गया था, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जब 1883 ईस्वी में बिहार में सॉरी 1783 में बिहार में अकाल पड़ा तो उस समय 1786 ईस्वी में अन्न संग्रहण के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो गोलघर नहीं होगा, बिहार की सबसे पुरानी मुगल इमारत। तो प्रश्न है कि आखिर बिहार की सबसे पुरानी मुगल इमारत कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जामा मस्जिद हाजीपुर या बिहार की सबसे पुरानी मुगल इमारत है। 101 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात है, पूर्णिया, किशनगंज, मुंगेर, अरवल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पूर्णिया जिले का ऋण जमा अनुपात जो है वह सबसे अधिक है। 102 बिहार के संदर्भ में प्रतिशत के आधार पर किस प्रकार के बैंकों के पास सर्वाधिक गैर निष्पादित परिसंपत्ति है, इन केस ऑफ बिहार विच टाइप ऑफ बैंक हैज हाइएस्ट एनपीए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि किस बैंक के पास सर्वाधिक एनपीए है परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास सर्वाधिक संख्या में अभी एनपीए है। 103 नंबर प्रश्न है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान मुख्यतः ब्लैंक्स के लिए एक योजना है। तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान आपने सुना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुधार के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता लाने के लिए बिहार सरकार की एक स्कीम है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। तो 103 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 104 वित्तीय वर्ष 1920 में NBPDCL और SBPDCL की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि का प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 35.9%।
105 नंबर प्रश्न, बिहार में गंगा पर कुल कितने पुल हैं जो या तो पूरी तरह से चालू हैं या फिर निर्माणाधीन। यानी कि बिहार में गंगा नदी पर कुल कितने चालू या निर्माणाधीन पुल हैं, आपको पुलों की संख्या बतानी है जो गंगा नदी पर स्थित है। 4 पुल 12 18 20, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 18। देखिए 2005 ईस्वी तक गंगा नदी पर कुल 4 पुल थे, इसके बाद 14 पुल अतिरिक्त बनाए गए हैं। अभी तक कुल 15 वर्षों में 14 अतिरिक्त पुल का निर्माण किया गया है और कुल 18 पुल जिनमें से ये निर्माणाधीन हैं या फिर आपके चालू हैं। तो 2005 तक कुल 4 पुल थे, लेकिन अभी कुल मिलाकर 18 हो चुके हैं। 105 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 106, बिहार से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, 20 58 70 35, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वर्तमान समय में बिहार से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे की संख्या कुल 58 है। 106 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 107, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोजगार प्रदान करता है। यहाँ पुरुष श्रमिकों के लिए पूछा गया है, निर्माण, कृषि, शिक्षा, खनन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, निर्माण। यानी कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पुरुष श्रमिक है, लेकिन दूसरे नंबर पर पूछा गया है, तो इसको आपको ए यानी कि निर्माण क्षेत्र होगा। 107 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 108 नंबर प्रश्न है, अवसर बढ़ें आगे पढ़ें संबंधित है, उच्च शिक्षा से, कौशल विकास से, संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना और कमजोर छात्रों का समर्थन करना। तो देखिए अवसर बढ़ें आगे पढ़ें 7 निश्चय बिहार सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय लॉन्च किया गया था उसका एक हिस्सा है, संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने और स्किल डेवलपमेंट दोनों से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 108 का आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि विकल्प बी और विकल्प सी दोनों सही है। 109, बिहार का कौन सा क्षेत्र मराठा आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली के हमलों की चपेट में आया था। तो अगर आप मैप को देखेंगे, बिहार की मैप को, तो जहाँ पर मराठा आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, उस दौरान बिहार का जो क्षेत्र सर्वाधिक तौर पर प्रभावित रहा वह बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था। 109 का आंसर हो जाएगा आपका ई। 110, बिहार के अंतिम स्वतंत्र मुगल राज्यपाल कौन थे, फखर उरदौला, फरुख असियर, अजीम उस शान, अलीवर्दी खां, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अंतिम स्वतंत्र मुगल राज्यपाल बिहार के थे फखर उरदौला, यानी कि 110 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 111 नंबर प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय ने कितनी राशि के बदले में 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की अपनी दीवानी सौंप दी थी। 50 लाख रुपये, 1.5 करोड़ रुपये, 15 लाख रुपये, 26 लाख रुपये। तो शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार के बदले 26 लाख रुपये इसे प्राप्त होने लगे। यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा को इसने ब्रिटिश सरकार को सौंप दी और बदले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 26 लाख रुपये इसे प्रति वर्ष देने की बात की गई थी। 111 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 112, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मानव बलि परंपरा को प्रतिषेध करने के लिए अंग्रेजी प्रयास के खिलाफ विद्रोह किया था। या आपको 12th की जब बिपिन चंद्रा की NCERT बुक पढ़ेंगे वहाँ भी आपको मिलेगा कि खोंड जनजाति नर बलि को लेकर काफ़ी ज़्यादा खोंड जनजाति एक सेंसिटिव थी और इसने अंग्रेजी प्रयास के खिलाफ जब अंग्रेजों ने नर बलि को खत्म करना चाहा तो इसने विरोध किया था। 112 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 113, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, शेरशाह, इब्राहिम लोदी, प्रिंस अजीमो, अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शेरशाह सूरी जो मध्यकालीन समय में केंद्र भारत की जिसने सत्ता संभाली थी, शेरशाह जो कि सासाराम से संबंधित रहे बिहार के, उन्होंने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। 113 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 114, निम्नलिखित में से कौन बिहार में भावी आंदोलन से संबंधित नहीं है, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, अब्दुल्ला, मजहरुल हक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भावी आंदोलन से संबंधित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मजहरुल हक। यानी कि इनायत अली, मोहम्मद हुसैन और अब्दुल्ला ये तीनों भावी आंदोलन से संबंधित रहे हैं और मजहरुल हक भावी आंदोलन से संबंधित नहीं रहे। 115, राजस्व संग्रह की सदावल प्रणाली का प्रयोग किसके शासनकाल में किया गया था, चुड़ामन राय, शाह आलम द्वितीय, शेरशाह, अलीवर्दी खां, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए चुड़ामन राय 1788 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, पलामू से संबंधित रहे हैं और इसके शासनकाल में एक
राजस्व संग्रह के लिए सदावल प्रणाली का प्रयोग किया गया था। तो 115 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि सदावल प्रणाली का प्रयोग चूड़ामन राय के शासनकाल में किया गया था। 116 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुल विद्रोह के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, आपको गलत कथन को बताना है कि कुल विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यह केवल ब्रिटिश उत्पादकों के विरुद्ध था, यह गलत है, क्योंकि ब्रिटिश उत्पादकों के विरुद्ध सिर्फ नहीं प्रारंभ किया गया था। छोटा नागपुर सिंहभूम जिला बिल्कुल सही, कोल विद्रोह 1831-32 यह भी सही है, और 1837 तक बावन घाटी समस्या उत्पन्न करने वाला स्थान बना रहा यह भी सही है। यानी कि कौन सही नहीं है, तो दोस्तों 116 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो भी उस समय शोषणकारी वर्ग थे उसके विरुद्ध इन्होंने कोल विद्रोह प्रारंभ किया था, ना कि ब्रिटिश उत्पादकों के विरुद्ध। 116 का आंसर हो जाएगा ए। 117 भूमिज विद्रोह का नेतृत्व, आज हमने जेपीएससी में भी जेपीएससी का जो आंसर प्रश्न पूछा गया था वहाँ भी यह प्रश्न पूछा गया कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया है, किस क्षेत्र में, तो बारा भूम क्षेत्र में। 117 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 118 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संथाल हुल से प्रभावित नहीं था। बांकुरा, संथाल परगना, हजारीबाग, सूता नीति, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों कौन सा स्थान संथाल हुल से प्रभावित नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूता नाती स्थान। 119 किस विद्रोह के दौरान बाहरी लोगों के साथ साथ सरकारी जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ आयुक्त और कलेक्टरों को याचिका एवं पत्र भेजे जाने लगे थे। कुल विद्रोह, संथाल विद्रोह, हो विद्रोह, खरवार विद्रोह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संथाल विद्रोह, जो कि आदिवासी आंदोलनों का एक काफ़ी ज़्यादा संगठित और सशस्त्र विद्रोह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 119 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 120 भागीरथ मांझी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित रहा। बहुत ईजी प्रश्न है, भागीरथ मांझी खरवार विद्रोह से संबंधित रहे हैं, यानी कि 120 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 121 देखिए यहाँ पर चार विद्रोह दिए गए हैं, इन चारों विद्रोह को आपको कालानुक्रम में सजाना है कि कौन सा विद्रोह पहले हुआ है। तो आपका हो विद्रोह है, हो विद्रोह 1821 ईस्वी में हुआ, कोल इसके बाद कोल विद्रोह हुआ 1831-32 ईस्वी में हुआ, इसके बाद संथाल होता है आपका 1856 ईस्वी में, और मुंडा 1895 ईस्वी में होता है। यानी कि 1, 4, 3, 2 सही है, यानी कि 121 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 122 मुंडा विद्रोह के दौरान खुली हिंसा और उग्र संघर्ष कब प्रारंभ हुआ। अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया मुंडा विद्रोह कब हुआ, 1895 से लेकर 1900 के बीच मुंडा विद्रोह हुआ, और इस दौरान काफ़ी हिंसा और उग्र संघर्ष हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ, तो 24 दिसंबर 1899। 122 का आंसर हो जाएगा सी। 123 यहाँ पर भी आपको कालानुक्रम में सजाना है कि कौन सी घटनाएं पहले घटित होती है। तो देखिए इसका आंसर सी होगा, 1, 3, 2, 4 रोहिणी में विद्रोह होता है आपका 12 जून 1857 को, इसके बाद होता है पीर अली का नेतृत्व में विद्रोह 3 जुलाई 1857 को, फिर दानापुर विद्रोह होता है 25 जुलाई को, इसके बाद कुंवर सिंह का नेतृत्व प्रदान होता है 26 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 124 निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लिया था। रीवा, आजमगढ़, कानपुर, गाजीपुर, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रीवा। 125 ये आपको सुमेलित करना है, 1857 के विद्रोह के नेता और स्थान दिया हुआ है, यानी कि कौन से नेता किस स्थान से संबंधित हैं और कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसका आपको आंसर बताना है। राजा अर्जुन सिंह सिंहभूम से संबंधित रहें, बिल्कुल सही है। नीलांबर और पीताम्बर पलामू से संबंधित रहें, बिल्कुल सही है। हैदर अली खान मुजफ्फरपुर, गलत। हैदर अली खान जो हैं वह गया से संबंधित रहें, इसका आंसर हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है, सी। माधव सिंह हजारीबाग, बिल्कुल सही है, यानी कि 125 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 126
बिहार के कुल बजट में सड़कों और पुलों का कितना हिस्सा है? 50%, 35.3%, 3.8%, 7%, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बिहार के कुल बजट में सड़क और पुल का कितना हिस्सा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, 3.8% हिस्सा है। ठीक है, 127। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो सड़क दुर्घटना के मामले में 18-19 के आंकड़ों को आधार बनाकर देखा गया तो भारत में कुल 15वां स्थान बिहार का है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, 128। बिहार में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई का घनत्व कितना है? देखिए, सड़क घनत्व सर्वाधिक किसका है, केरल का या झारखंड, पीछे से पूछा गया प्रश्न है, और बिहार संभवतः दूसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितनी है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई का घनत्व जो है बिहार में कितना है, तो 5.7 किलोमीटर है। 128 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 129। बिहार का ग्रामीण क्षेत्र में टेली घनत्व कितना है? 100 व्यक्तियों पर 42 कनेक्शन, 100 व्यक्तियों पर 53 कनेक्शन, 87 कनेक्शन और 142 कनेक्शन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व, टेली डेंसिटी जो वर्तमान समय में है वह है 100 व्यक्तियों पर 42 कनेक्शन। 129 का आंसर हो जाएगा आपका ए। टेली घनत्व का मतलब हो गया टेलीफोन रखने वाले व्यक्ति। ठीक है, 130। ग्रामीण क्षेत्रों के कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में बिहार का स्थान है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंटरनेट उपभोक्ता हैं उसमें बिहार का कुल कितना स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपभोक्ताओं के मामले में, बिहार का जो स्थान है वह दूसरा स्थान है। पहला नंबर पर जो इसमें आएगा वह उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 10% है, और दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो बिहार 6.2% है। अगला, निम्नलिखित जिलों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। किस क्रम में आपको, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प की मैं चर्चा कर ले रहा हूँ। पटना में राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नेटवर्क है, पटना में है 440 किलोमीटर। ठीक है, मधुबनी है, मधुबनी में 322 किलोमीटर है। यहाँ पर सारण है, सारण में 245 किलोमीटर है। जमुई है, 213 किलोमीटर है। अब इसे अवरोही क्रम में आप इसे ऑर्डर में ले लें तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 132। नवीनगर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत इजी प्रश्न है, जिसके हाल ही में सरकार के द्वारा शुरुआत की गई। नवीनगर जिला प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो नवीनगर जो प्लांट स्थित है वह बिहार के कैमूर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 133 नंबर प्रश्न है, बिहार में लघु पन बिजली परियोजना की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? वर्तमान समय में जो बिहार में लघु पन बिजली परियोजना है उसकी स्थापित क्षमता कितनी है? सी, 165 मेगावाट। लघु पन बिजली परियोजना से सिर्फ 165 मेगावाट का उत्पादन बिहार में किया जाता है। अभी इस क्षेत्र में और अधिक संभावनाएं हैं और बिहार सरकार को कार्य करने की जरूरत भी है। दामोदर नदी बहती है काष्ठ क्षेत्र में, जलोढ़ मैदान, दोष क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ियां, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो दामोदर नदी है वह दोष क्षेत्र से बहती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सॉरी, ये जो ऊपर में हमने बताया नवीनगर प्लांट, या इसका गलत मैंने आंसर बता दिया, जो नवीनगर पावर प्लांट था वह औरंगाबाद से संबंधित है। 132 का आंसर हो जाएगा सी, और पनबिजली परियोजना की है 54.3%। ठीक है, दामोदर नदी दोष क्षेत्र या आपका सही है। 135 नंबर प्रश्न है, बिहार में तेल रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थित है? सिंहभूम, बरौनी, पूर्णिया, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तेल रिफाइनरी संयंत्र तो बहुत फेमस है, बिहार के बरौनी में स्थित है। 135 का आंसर हो जाएगा बी। 136, कौन सा समाचार पत्र महाराजा कामेश्वर सिंह से संबंधित है? सर्चलाइट, द इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो द इंडियन नेशन समाचार पत्र महाराज कामेश्वर सिंह से संबंधित है। 136 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 137, 1855 में किस ब्रिटिश कमांडर को संथालों ने पराजित किया था? कप्तान निक
फेविला, लेफ्टिनेंट बास्तियान, मेजर बारो, कर्नट वाइट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मेजर बारो जिसे 1855 ईस्वी में ब्रिटिश कमांडर था जिसे संथालों ने इसे परास्त किया था। 137 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 138 बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक में भाग लिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक 1928 में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फणीन्द्र नाथ घोष ने भाग लिया था। 139 नंबर प्रश्न, बिहार के किस स्थान के क्रांतिकारियों को रोडा शस्त्र मामले में दोषी ठहराया गया? मुंगेर, बांका, दुमका, पलामू, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दुमका के क्रांतिकारियों को रोडा शस्त्र मामले में दोषी ठहराया गया था। यह बेसिकली आर्म्स मामले से संबंधित था। तो 139 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 140 ताना भगत ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? पटना, हरिपुरा, भागलपुर, गया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 1922 ईस्वी में जो गया में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, INC का, उसमें ताना भगत ने भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 140 का आपका डी। 141 प्रभावती देवी के पिता कौन थे? ब्रजकिशोर प्रसाद, केपी नारायण, राम प्रसाद, जेपी नारायण। तो प्रभावती देवी के पिता ब्रजकिशोर प्रसाद थे। 141 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 142 नंबर प्रश्न, आपको यहाँ कौन व्यक्ति घटना से संबंधित नहीं है ये आपको यहाँ पर 142 के अंतर्गत आपको वहाँ पर सुमेलित करना है। पहला है श्रीमती सरस्वती देवी, नमक विरोधी कानून हजारीबाग, बिल्कुल सही। अगला श्रीमती सेल बाला रे, नमक विरोधी कानून संथाल परगना, बिल्कुल सही। सीसी दास, स्वदेशी आंदोलन पटना, बिल्कुल सही। श्रीमती भगवती देवी असहयोग आंदोलन, नहीं, श्रीमती भगवती देवी क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित रही है पटना से। तो 142 का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 142 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि विकल्प संख्या ए, बी और सी तीनों सुमेलित है और विकल्प संख्या डी सुमेलित नहीं है। 143 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बेगूसराय में गोलीबारी कब हुई थी? तो बेगूसराय में जो गोलीबारी हुई थी वह 26 जनवरी 1931 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था और उसी पर उस समय DSP बशीर अहमद के कहने पर इस पर गोलीबारी चलाई गई थी। तो 26 जनवरी 1931 को चलाई गई थी। 143 का आंसर हो जाएगा डी, किसके नेतृत्व में आंदोलनकारी थे? रघुनाथ ब्रह्मचारी और उधर से DSP बशीर अहमद। 143 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 144 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से नेता किसान सभा से जुड़े हुए नहीं थे? कार्यानंद शर्मा, बिल्कुल किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, राहुल संकृतायन, या दुनंदन शर्मा, श्री कृष्ण सिंह। तो कौन नहीं थे जुड़े हुए? तो कोई भी विकल्प सही नहीं है क्योंकि सभी किसान आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। जेपी नारायण को किस अपराध के लिए 9 महीने की सजा सुनाई गई थी? तो देखिए जेपी आंदोलन को बेसिकली जमशेदपुर में भाषण के लिए 1937 से 1939 तक का दौर था जब श्रम संघर्ष के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों में घूम घूम कर जेपी के द्वारा भाषण दिए जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जमशेदपुर में भाषण दिया और उसके आधार पर 9 महीने की गिरफ्तारी की गई थी। 146 नंबर प्रश्न, लाल हेम्ब्रम का संबंध किस विद्रोह से है? सफादो विद्रोह, सफाहो विद्रोह, ताना भगत, सरदारी, संथाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो लाल हेम्ब्रम का संबंध किस विद्रोह से है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सफाहोद विद्रोह से संबंधित है। 147 अहले अदीस के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि अहले अदीस किन्हें कहा जाता है? तो अहले अदीस बेसिकली जो बहावियों के अनुयायी रहे हैं वे पहले अहले अदीस के रूप में जाने जाते थे। 147 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 148 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार से किसने नागपुर में ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया था? राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राहुल संकृतायन, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नागपुर में बिहार के तरफ से ध्वज सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और यह घटना 1923 से संबंधित है। 148 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 149 नंबर प्रश्न, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम था वह अली गौहर था।
इनकी अगर जीवनी को देखा जाए तो 1728 से 1826 तक रहा है इनका जीवन काल। तो यह महत्वपूर्ण नहीं है, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या है, अली गौहर, यही महत्वपूर्ण है। 1929 का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1929 का सत्र कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो यह झरिया धनबाद में इसका आयोजन किया गया था। 150 का आंसर हो जाएगा आपका ए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने बिहार स्पेशल से संबंधित कुल 150 प्रश्नों को उत्तर व्याख्या के सहित हमने डिस्कशन देखा है। ये सभी प्रश्न परफेक्शन IAS टेस्ट सीरीज का एक हिस्सा है और यहीं से हमने 150 प्रश्नों को बिहार स्पेशल के लिए लिया है। मुझे उम्मीद है ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए इन प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।